और लालू यादव के बड़े बेटे बोल रहे हैं कि देशद्रोही है धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, ये तो बोलेंगे ना। वो खुद चोर है। उनके जैसा सेना बहुत हमारे सनाती धर्म में बच्चे बच्चे तक खड़े हैं। तेज प्रताप से लड़ लीजिएगा। बिल्कुल लड़ेंगे, कि जरूरत पड़ेगा हर चीज से लड़ेंगे। यदि भक्ति नहीं कर सकते तो विरोध तरह करें। यहाँ तो ऐसे ऐसे पापी सब है जो विरोध कर रहे हैं, बाबा को रोकना चाह रहे हैं। एयरपोर्ट से रोक देंगे, फलाने जगह से रोक देंगे, ऐसे ऐसे अधर्मी सब है। तेज प्रताप को सबक सिखा दीजिएगा। बिल्कुल वो सीख लिए हैं, है उनमें हिम्मत। तो आइए रोकिए, ये हम लोगों का चैलेंज है, रोक के दिखाए कैसे बाबा को रोक लेते। देखिए, बागेश्वर वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी स्टेज पर आएंगे। आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, फाइनल स्टेज पर पहुँच चुका है और यहाँ पे आएंगे, यहीं पे उनका स्टेज बनेगा, यहीं से समागम होगा। और ये पूरा पंडाल बनाया गया है भक्तों के लिए। देखिए कितना पंडाल बनाया गया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। पंडाल नंबर 1 है, पंडाल नंबर 2 है और पंडाल नंबर 3 है। ये 4 पंडाल बनाया गया और इस पंडाल के ठीक पीछे बाबा के लिए ठहरने के लिए जो धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे उनके लिए ठहरने के लिए व्यवस्था किया गया है। उस पंडाल में बाबा की सारी सुख सुविधा होगा, एसी से लेकर के लेट्रिन बाथरूम सभी उसी में होगा। वहीं पे बाबा इस स्टेज के पीछे बाबा रुकेंगे और ये स्टेज पे उनका समागम चलेगा, यानी कि हनुमत कथा चलेगा। एक चीज़ हम और आपको दिखाएंगे जो कि कई दूर से बाबा आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। एक मिनट, देखिए ये बाबा जो है ये आए हुए हैं जनकपुर से। कहाँ से आए बाबा? से जनकपुर से आए हुए, मिथिला जनकपुर। हर जगह जाते हैं जहाँ बाबा का कार्यक्रम होता है, सब जगह जाते हैं। जहाँ कथा होते हैं, जब समय मिलता है, हम लोगों का संत है, वहाँ पहुँचते हैं। मतलब सनातन धर्म का मतलब है जो अपने धर्म का प्रचार करना, तो धर्म का प्रचार करते हुए सबको धर्म का प्रचारक बनाना चाहते हैं। सोचते हैं जो अपनी सनातन धर्म का जितने भी हैं, कम से कम विरोध तो ना करे। यदि भक्ति नहीं कर सकते तो विरोध तो ना करें। यहाँ तो ऐसे ऐसे पापी सब है जो विरोध कर रहे हैं, बाबा को रोकना चाह रहे हैं। एयरपोर्ट से रोक देंगे, फलाने जगह से रोक देंगे, ऐसे ऐसे अधर्मी सब है। यहाँ अधर्म कहते हैं ना, राम का जहाँ आवश्यकता है वहाँ रावण पहले तैयार हो जाते हैं। वहाँ रावण पहले मिलेगा आपको। राम तो सदैव है, सबके कण कण में निवास करते हैं। उसका बाद भी रावण का प्रकोप अभी तक नहीं गया है। एजेंडा खड़े करके अपना धर्म, या तो उन लोगों को दिक्कत हो रही है राम कथा हनुमान कथा से, तो अपना धर्म को परिवर्तन कर ले। सीधी सी बात है। अच्छा, लालू यादव के बड़े बेटे बोल रहे हैं कि देशद्रोही है धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, ये तो बोलेंगे ना। वो खुद चोर है। वो खुद चोर है, नहीं देख रहे हैं? क्या चुराए हैं? चुराए नहीं है। क्या चोरा घटोला में नहीं पकड़ाए हुए हैं? अब चारा घटोला में पकड़ाए हुए हैं। घटोला की घोटाला? चारा घोटाला, चारा घोटाला जी। हाँ, लालू यादव जी तो उन्हीं का था बच्चे हैं। तो लालू यादव ने चुराए थे? लालू यादव बाप के कर्म से ही बेटे का धर्म होता है। अच्छा जी, तो वो तो खुद अपने आप को संत मानते हैं, खुद कहते हैं हम कृष्ण भक्त हैं। यदि संत होते तो इस प्रकार से नहीं रोक लगाते। जो राम भक्त हनुमान का भक्त आ रहा है उन पे कह रहे हैं, जो हम आरोप लगा रहे हैं उनको हम एयरपोर्ट से निकलने नहीं देंगे। हम सेना खड़ी करे हुए हैं, यहाँ उनके जैसा बहुत सेना खड़े हुए हैं। हाँ जी, उनके जैसा सेना बहुत हमारे सनाती धर्म में बच्चे बच्चे तक खड़े हैं। तेज प्रताप से लड़ लीजिएगा। बिल्कुल लड़ेंगे, कि जरूरत पड़ेगा हर चीज से लड़ेंगे। तो वो खुद सेना तैयार कर लिए हैं। उनके जैसे सेना आज कलश निकली है ना। देखे हैं आप लोग? यदि नहीं देखे तो यदि कलश का यात्रा का शोभा यात्रा देख लेते तो तेज प्रताप यादव अपने आप को बोलती बंद कर लेता। बोलती बंद कर देते? बिल्कुल। वो तो बोल रहे हैं कि हमारे दरवाजे पे आके माफी मांग रहे हैं लोग, शास्त्री के लोग तो माफी मांग रहे हैं। ऐसा है, माफी मांग रहा है या क्या कर रहा है वो तो भगवान जानते हैं। सरकार ये इस, अब ये ढकोसला में मत जाइए। यहाँ ढकोसलाबाजी बहुत होता है, दिखावाबाजी कुछ और होता है, काम कुछ करते नहीं है, जनता को ठक रहे हैं। यहाँ पार्टी बता रहे हैं कि बाबा प्रचार करने नहीं आ रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं, राजनीति करने आ रहे हैं। नहीं, उनके जैसे ये राजनीति करते हैं बाबा। बाबा राजनीति करते, धर्म का प्रचार करते हैं। धर्म का प्रचार करना हर सनातन धर्म का बच्चे का काम है। हम लोगों सबका काम है, अपना धर्म का प्रचार कीजिए आप यदि कर सकते हैं। यदि अपना माँ बाप का नाम भूल जाइएगा आप,
जो आदमी अपना माँ बाप का नाम भूल जाता है वही अपना धर्म को भूल जाता है। इस बात को जानिए। धर्म की रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं? धर्म की रक्षा के लिए क्या नहीं कर सकते ये पूछिए। क्या नहीं कर सकते हैं? हर कुछ कर सकते हैं। क्या? हर कुछ कर सकते हैं। कुछ मतलब? जहाँ रोक लगेगी वहाँ हम लोग सबसे पहले आगे संत महात्मा होंगे। संत महात्मा होंगे तो तेज प्रताप को सबक सिखा दीजिएगा। बिल्कुल वो सीख लिए हैं, है उनमें हिम्मत। तो आइए रोकिए, रोक के दिखाएं। ये हम लोगों का चैलेंज है, रोक के दिखाएं कैसे बाबा को रोक लेते। देखिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का मतलब एक भक्त हैं और पहले पहुँचे हैं यहाँ पर, बाबा को आने से पहले पहुँचे और आते के साथ ये गरमा गए हैं और भड़ास निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर उनमें दम है तो धीरेन्द्र शास्त्री को रोक कर दिखाए। हमें सनातनी धर्म को रक्षा करने के लिए जो करना होगा सब करेंगे, क्या नहीं करेंगे ये पूछिए। ये भी हमसे बोल रहे हैं कि आप पूछिए कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। क्या बाबा जी? सनातन धर्म के रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। बच्चा बच्चा हर कोई अपना सनातन धर्म का झंडा उठा के खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा जी। हर एक बच्चा यहाँ देखिए ना, जो हाँ किस तरह से गवर्नमेंट है, कोई ऐसा बाकी नहीं है जो कोई भी राज से, हर एक राज से दूर दूर से, यूपी से लोग आए हुए हैं, गाजियाबाद से आए हुए हैं सनातन धर्म के लोग। अच्छा बाबा, एक हम पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ये संत कब से आप बन गए? कब से मन में आया कि हमको आपको संत बनना चाहिए? संत तो हर जो जन्मता है जी। अब इतना सवाल आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ रहा है। संत आप जिस दिन पैदा हुए माँ के गर्भ से, उसी दिन संत होता है। उसी दिन संत होता जी है। तो बहुत लोग मर्डर काहे कर देता है? मर्डर कर देता है जब तक ज्ञान नहीं है। जो जागा वो उस टाइम सवेरा हुआ उसके लिए, जिस टाइम आप जागे हो उसी टाइम आपके लिए सवेरा हुआ। तो आप बोले सब संत होता है, तो मर्डर नहीं करना चाहिए? संत तो मर्डर नहीं करते, संदेश देते हैं। नहीं संत ऐसा है, ऐसा है जो संत जो है सबके इस अंदर में भगवान का वास है, उसको जिस टाइम आप जगा लीजिएगा उस टाइम महासंत बन गए। जब तक नहीं जगाए हो तब तक आप आत्मा को रख के परमात्मा बसा हुआ है, उसके बाद भी आप धर्मात्मा नहीं बन सकते हो, आचारी बन सकते हो, दुराचारी बन सकते हो, बहुत प्रकार की बात है। लालू यादव के बड़े बेटे बोल रहे हैं कि देश द्रोही है धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ ये तो बोलेंगे ना, वो खुद चोर हैं। हाँ। उनके जैसा सेना बहुत हमारे सनातनी धर्म में बच्चे बच्चे तक खड़े हैं। तेज प्रताप से लड़ लीजिएगा। बिल्कुल लड़ेंगे, कि जरूरत पड़ेगा हर चीज से लड़ेंगे। हाँ। यदि भक्ति नहीं कर सकते तो विरोध तरह करें। हाँ। यहाँ तो ऐसे ऐसे पापी सब है जो विरोध कर रहे हैं, बाबा को रोकना चाह रहे हैं। हाँ। एयरपोर्ट से रोक देंगे, फलाने जगह से रोक देंगे, ऐसे ऐसे अधर्मी सब है। तेज प्रताप को सबक सिखा दीजिएगा। बिल्कुल वो सीख लिए हैं, है उनमें हिम्मत। तो आइए रोकिए, ये हम लोगों का चैलेंज है, रोक के दिखाएं कैसे बाबा को रोक लेते। देखिए,